Hey guys, welcome to my channel और ये है हमारी ड्रॉप शिपिंग सीरीज का थर्ड एपिसोड। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है और आपको नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, तो प्लीज जाइए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और उनको जाके देख लीजिए। देखिए, अभी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब करते हैं प्रैक्टिकल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। तो डोमेन वेबसाइट का नाम को बोलते हैं हम, जैसे कि facebook.com, google.com, ये डोमेन होता है। तो डोमेन बाय करने से पहले ही आपको सोच लेना है कि आपको वेबसाइट पे सेल क्या करना है, क्योंकि अगर आप ये ही नहीं सोचेंगे कि आपका काम क्या होगा वेबसाइट का, तो उस हिसाब से आप उसका नाम नहीं रख पाओगे। तीन टाइप के हमारे स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर, सिंगल निच स्टोर और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। जनरल स्टोर में आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का सेल कीजिए, आप चाहे डेकोरेशन सेल कीजिए, आप चाहे बेबी प्रोडक्ट सेल कीजिए, आप चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कीजिए, एनीथिंग। सिंगल निच स्टोर, निच बोलते हैं हम कैटेगरी को, सिंगल निच स्टोर होते हैं उसमें आपको एक ही कैटेगरी के स्टोर बनाना होता है। लाइक फर्स्ट क्राई सिर्फ बेबी प्रोडक्ट बेचता है, वो सिंगल निच स्टोर है, वो कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है, दैट इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट। और जैसे नाइका है, नाइका सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो सिंगल एच स्टोर है। और थर्ड होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, जिसमें पूरी वेबसाइट में आपका एक ही प्रोडक्ट होता है, उसी को आप सेल करते हैं। तो सवाल आता है आप कौन सा स्टोर बनाए इन तीनों में से। तो देखिए, मैं आपको अपना छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने ना पहले सिंगल एच स्टोर बनाया था। सिंगल एच स्टोर बनाने के कुछ दिनों बाद मेरे सामने कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए जो किसी और कैटेगरी के थे। मुझे लगा यार, आई विश मैं इन प्रोडक्ट्स को भी अपनी वेबसाइट पर डाल पाता और इनको सेल कर पाता। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम ही किसी एक कैटेगरी के ऊपर रख दिया था कि मैं किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट उस पर सेल ही नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे एक दूसरा स्टोर बनाना पड़ा जो जनरल स्टोर था, और उस पर मैं फिर किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकता था। तो आप अगर बिगनर हैं तो मैं आपको एडवाइस करता हूं, पहले आप एक जनरल स्टोर बनाइए। जनरल स्टोर में आपको बिल्कुल फ्रीडम होगी, आप किसी भी कैटेगरी के किसी भी निच के प्रोडक्ट उस पर सेल कर सकते हैं। डोमेन बाय करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर वन, आपका डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बेटर होगा वो एक ही वर्ड का हो, अगर ना आपको एक वर्ड मिले तो दो से तीन वर्ड, इससे ज्यादा बिल्कुल डोमेन बड़ा मत कीजिएगा आप, बड़े डोमेन अच्छे नहीं लगते हैं। आपके डोमेन में कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए, आप उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको एक डोमेन नेम सर्च करना है। तो चलिए, डोमेन कैसे बाय करते हैं उसके लिए हम सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो डोमेन बाय करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ये लीन डोमेन सर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, एक ये है इंस्टेंट डोमेन सर्च, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई का भी एक अपना प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी निच पे वेबसाइट बनानी है, और हम जैसे किचन पे कोई वेबसाइट बनानी है हमें, तो हम किचन वर्ड यहाँ पर टाइप कर देंगे और आप देख सकते हैं ये नीचे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशन आपको दे देगा। आप kitchen.com तो ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ है, kitchen.in के लिए मतलब यू कैन ऑफर फॉर दिस, पर ये किसी और ने खरीद के रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है महंगाई देने वाला है वो आपको। और तो आप इस तरीके से बहुत सारे सजेशन देख सकते हैं। और ये जो ब्लू वाला मेक ऑफर आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली कुछ लोग इसका डोमेन का बिजनेस भी करते हैं, वो अच्छे अच्छे डोमेन पहले से बाय करके रख लेते हैं और बाद में उनको मतलब महंगा महंगा उनको बेच देते हैं। तो आपको अगर ख़रीदना है तो ये जो ब्लू ग्रीन वाला है ये आप ख़रीद सकते हैं। तो ये अच्छे डोमेन के चक्कर में आपको महंगा वाला मत खरीद लेना। इधर आप देखिए जैसे डोमेन फॉर सेल, अब इसमें बाथरूम किचन डॉट कॉम को किसी ने ये $16,000 का, ऑलमोस्ट $16,000 इतने का ये इसको सेल कर रहा है। तो आप कोई देख सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, तो उसमें कोई भी आपको एक देख लीजिए। लेकिन हम बनाने वाले हैं एक जर्नल वेबसाइट, तो उसके लिए आप कोई जर्नल नाम सोचिए, जैसे कि शॉप हो गया, मार्केट हो गया, बाज़ार हो गया, तो ऐसे कोई नाम सोचिए। अब जैसे कि हम बाज़ार टाइप कर देते हैं, ये बाज़ार के ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कोई डोमेन आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे कि बहुत सारे नाम हैं ये, जैसे bazaarmen.com, बाजार consulting.com, तो बहुत सारे हैं। हम एक काम करते हैं, एक वर्ड और डाल देते हैं, द बाजार। हाँ, तो द बाजार .in अवेलेबल है।
हाँ, इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे ये .com, .in, .ai, .app, .blog, ये मतलब ये बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, ये सारे ये आपको नज़र आएंगे। तो इंडिया के लिए आप .in लीजिए, अगर इंडिया में आप आपकी वेबसाइट है तो .in लीजिए, अगर कोई कॉमन बना रहे हैं तो .com कॉमन है, कहीं के लिए भी आप ले सकते हैं, पर इंडिया के लिए बेस्ट रहता है कि .in ले लीजिए, क्योंकि सर्च इंजन में भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलती है वो .in वाले एक्सटेंशन को मिलती है। तो बस ये फाइनल है और हम चलते हैं इसको बाय करने की तरफ। तो यहाँ से राइट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से गो डैडी पे जाना है इसको बाय करने के लिए। थोड़ा स्लो है नेट। ओके, तो ये आ गया है 499 का इसने हमें प्राइस दिखा दिया है और ये बता रहा है .co.in है 399 का। तो कोई बात नहीं, हम 499 के लिए कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं, ये हमें टैक्स वैक्स लग के कुछ पड़ जाएगा। तो बहुत बार यहाँ पे 2 or 3 years ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो वो प्लीज़ देख लीजिए, इसको 1 year कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको डोमेन महंगा पड़ जाएगा और स्टार्टिंग में आपको बस 1 ही साल का लेना है। अब हम आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए अपनी जीमेल आईडी जिससे साइन इन करना है। अभी ये आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, सारी फिल कर दीजिए। अब ये देखिए 499 का हमें पड़ा डोमेन और 89 का हम पे ले गया टैक्स, तो 588.82 टोटल बिल। कंटिन्यू परचेज पे क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये हमारी आगे रिसीट, यानी कि हमारा डोमेन बाय हो गया है। बस इतना सा काम था, है ना सिंपल। इसी तरीके से वेबसाइट बनाना भी बहुत सिंपल है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सिंपली आप वेबसाइट भी बना लेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अब डोमेन बाय कर लिया है तो अब आपके पास उसकी जीमेल आईडी भी होनी चाहिए। तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया था, तो अब हमें बस जीमेल पे लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने एक अलग ही इसकी जीमेल आईडी बना ली है, सही रहता है, कोई भी स्टोर बनाओ उसकी अलग से जीमेल आईडी बना लो, इससे आपकी एग्जिस्टिंग आईडी में कुछ ज़्यादा ईमेल्स का हौच-पौच नहीं होगा, इससे रिलेटेड सारी ईमेल्स एक ही ईमेल आईडी पे आएंगी, तो इजी टू मेंटेन रहता है। तो अब हम अपनी होस्टिंग बाय करने Shopify.com पे चलते हैं। तो देखिए, Shopify मैंने होस्टिंग क्यों चूज़ किया वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो वेबसाइट बनाने को बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं, आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, वूकॉमर्स पे बना सकते हैं, बट मैंने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है सबसे सिंपल जो है वो Shopify है। आप यहाँ पे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जो एक स्टोर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उन सब के बारे में भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। स्टार्ट योर फ्री 14 डेज ट्रायल ऑफ Shopify 14 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल देता है, तब तक आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। तो हमने जो ईमेल आईडी बनाई थी इसके लिए वो ईमेल आईडी डाल देते हैं, thebazaarmail@gmail.com। तो पासवर्ड के बाद अब यहाँ पे हम अपना स्टोर नेम रख लेते हैं, द बाजार। ओके, ये अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ चेंज कर देते हैं। इससे आपका बस ये स्टोर नेम है, ये आपको कोई डोमेन नेम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें आप कोई चेंज कर सकते हैं। लाइक हम इसमें आगे इंडिया लिख देते हैं, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, तो इंडिया करके अवेलेबल है, तो अब बस क्रिएट योर स्टोर कर देते हैं, हमारा स्टोर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटिंग स्टोर एंड सक्सेस। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें पूछेगा, बताते चलिए। लाइक आर यू ऑलरेडी सेलिंग, तो यहां पे कर दीजिए आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। अब नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू ड्रॉप शिपिंग, येस। अभी आपसे पूछ रहा है, इन एडिशन टू Shopify स्टोर वेयर एल्स वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे आप कर दीजिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड गूगल। अब अगला सवाल, व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू। तो अभी तक तो कुछ नहीं है, तो कर दीजिए आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।
अब आपसे पूछ रहा है ये विच इंडस्ट्री विल यू बी इन। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए इन्होंने, ब्यूटी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रॉसरीज, स्पोर्ट्स। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, अदर कर दीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो आई हैवेंट डिसाइडेड येट भी कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे आपकी एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, तो ये सारा फिल कर दीजिए, एड्रेस डिटेल वगैरह। बाद में भी चेंज हो सकता है, अगर कुछ गलती हो जाए तो ये चेंज हो सकता है बाद में। ये मैंने सारा फिल कर दिया है, हाँ ये हो गया सब फिल। सारा फिल करने के बाद ये पूछा दिस स्टोर इज रजिस्टर बिजनेस, तो अभी तक नहीं है तो छोड़ दीजिए और एंटर माय स्टोर कर दीजिए और चलते हैं अपने स्टोर के अंदर। ये आपका बन गया है स्टोर, सिंपल। यहाँ पे आपका नाम आ गया है, ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि किस में क्या क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ। तो देखिए शॉपिफाई बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, आपको कोई कोडिंग वोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहले इससे पहले कभी अपना रिज्यूम नहीं बनाया था, बट ये इतना सिंपल था यार कि वेबसाइट बन गई हमसे। चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको, होम में तो ये है ही, यहाँ प्रोडक्ट्स में अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स डालेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री, कलेक्शंस, ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ कस्टमर में आप जाएंगे तो कस्टमर में यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके सारे कस्टमर्स की डिटेल आएगी कि जो जो आपकी वेबसाइट पे जिन जिन ने विजिट किया, चाहे उन्होंने बाय किया नहीं किया। लेंगे एनालिटिक्स आपको यहाँ मिलेंगे, इससे अभी ये सब कुछ ज़ीरो है, लेकिन इससे आपको सब पता चलेगा कि कितनी आपकी टोटल सेल हैं, ऑनलाइन जो स्टोर के सेशन हैं कितने हैं, कितने आपका रिटर्निंग कस्टमर रेट है, कि कौन से कस्टमर दोबारा आपकी वेबसाइट पे आए हैं। इसके अलावा नीचे आप जाएंगे तो ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन, कितने परसेंट लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और बाय कर रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये सारी टोटल ऑर्डर्स कितने हैं आपके, सारे एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ये आराम से इसका टूर कर लीजिए और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ रिपोर्ट्स में, लाइव व्यू, लाइव व्यू में आप देख सकते हैं आपके अभी तो कोई विजिटर ही नहीं है तो कुछ दिखा नहीं रहा है, अदरवाइज यहाँ पे पूरा अर्थ बनाएगा, ग्लोब बनाएगा हमारा। चलिए ग्लोब आ रहा है, यस। तो यहाँ लाइव व्यू से आपको पता चलता है आपके कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आपके कौन कौन सी लोकेशन से हैं जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। तो अभी ये कुछ है ही नहीं क्योंकि आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट बिल्कुल अभी रेडी भी नहीं हुई है, तो इस वजह से कुछ दिखा नहीं रहा है। मार्केटिंग में आपको सारे मार्केटिंग के एनालिटिक्स दिखाएगा, लाइक ऑनलाइन स्टोर के कितने सेशन हुए हैं, आपकी जो मार्केटिंग से कितने ऑर्डर्स आए हैं, सेल्स मार्केटिंग वगैरह, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप ये देखिए ऑनलाइन स्टोर का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को, मैं आपकी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ये अभी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इस तरीके से उसकी लुक है, इस पर हमें काम करना है और इसको रेडी करना है, इसको हम पूरा डिज़ाइन करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस। अब हम इन्हीं किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है इस चीज़ के बारे में होंगी। तो ये आते हैं हम सेटिंग में, ये हम सेटिंग में आ गए। ये जो इधर आप देख रहे हैं स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग, यूज़र एंड परमिशन, पेमेंट, चेकआउट, ये सारी सेटिंग हमें इसकी करनी पड़ेंगी, शिपिंग एंड डिलीवरी टैक्सेस, ये सारी जितनी भी आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये सारी सेटिंग हमें इसकी करनी पड़ेंगी। देखा कितना आसान था, तो हमने बड़ा इजीली डोमेन बाय कर लिया, अपना होस्टिंग भी हमने रजिस्टर कर लिया, आपको मुझे पता है बिल्कुल टफ नहीं लगा होगा, और आगे भी एक शॉपिफाई का जो स्टोर बनेगा ना वो इससे भी ज्यादा आसान है, आपको बस एक बार पता लग जाए कैसे कैसे बनता है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमें हमारे शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग कैसे रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने सोचा इसको मैं एक अलग ही वीडियो बना के इसको आपको सबको बताऊंगा, और प्लीज यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और कमेंट करके तो मुझे जरूर बताइए, बिकॉज आपके कमेंट पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब तक कमेंट ना आए ना वीडियोस पे ऐसा लगता है पता नहीं इसके लिए बना रहा है वीडियो। तो आज की वीडियो में एक कमी आपको वॉइस की थोड़ी बहुत मॉड्यूलेशन मिलेगी, वो थोड़ी कमी रहेगी मेरी वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी आईडी आपको दे देता हूँ यहाँ पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपनी आईडी का लिंक दे दूंगा। तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिंदास पूछिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।